मूवी सरदार उधम सिंह थिएट्रिकल रिलीज को नहीं बल्कि ओटीटी रिलीज को दे रही है अपनी पहली प्रेफरेंस। हाय, दिस इज मी मनु एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। अगर हम बात करते हैं मूवी सरदार उधम सिंह के बारे में, तो इस मूवी की अनाउंसमेंट काफी पहले की जा चुकी थी, यानी साल 2019 में ही अनाउंस किया जा चुका था कि मूवी सरदार उधम सिंह बनेगी। लेकिन इस बात की अनाउंसमेंट इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद ही की थी, यानी सुजीत सरकार ने इस बात की अनाउंसमेंट खुद ही की थी और इस बात का खुलासा भी कर दिया था कि इस मूवी में सरदार उधम सिंह के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए नजर आएंगे एक्टर विकी कौशल। अगर हम एक्टर विकी कौशल की बात करें तो इन दिनों उनका करियर काफी ज्यादा हाइक्स पे है और वो उरी जैसी काफी सुपरहिट मूवीज अपने नाम कर चुके हैं और काफी स्ट्रांग कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए वो हमेशा नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उनके इस करेक्टर की, तो ये करेक्टर उनका मोस्ट फेवरेट करेक्टर है और साथ ही साथ ये मूवी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी भी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सरदार उधम सिंह मूवी के बारे में, तो ये खबर सामने आ चुकी है विच इज बीइंग वेरी कंफर्म कि ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ, ये मूवी 16th of October को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी जाएगी और उसी के साथ काफी सारे एस्पेक्ट्स आपको जलियांवाला बाग के बारे में भी देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम सुजीत सरकार की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि विकी कौशल को वो इसलिए ऑप्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो काफी वर्सटाइल एक्टर हैं और वो ऐसे करेक्टर्स को काफी स्ट्रांगली पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम विकी कौशल की स्टेटमेंट पर आ जाए, तो उनका कहना ये था कि मूवी उनके दिल के बहुत करीब होने वाली है और उसी के साथ इस मूवी को काफी सारी लोकेशंस पे शूट किया गया है, जैसे कि यूके, जर्मनी, आयरलैंड, नॉर्थ इंडिया एंड रशिया, काफी सारी कंट्रीज को इन्होंने एक्सप्लोर किया। वहीं अगर हम बात करते हैं सरदार उधम सिंह के बारे में, तो ये एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जिन पर ये मूवी बनाई गई है और हर एक एस्पेक्ट आपको मूवी में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ इस मूवी की जैसे ही रिलीजिंग डेट की बात की गई है, तो मेकर्स ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि हम मूवी के लिए ओटीटी रिलीज को बेटर समझते हैं और हम थिएट्रिकल रिलीज के लिए नहीं जाएंगे। बल्कि पहले ये खबर सामने आई थी कि मेकर्स का फैसला ये है कि वो इस मूवी को सिर्फ थिएटर्स में रिलीज करेंगे, लेकिन अब COVID-19 के सिनेरियो को देखते हुए इस मूवी को ओटीटी पर ही रिलीज करने वाले हैं और उसी के साथ आपको पता चलेगा कि क्या रहा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों को कितनी है एक्साइटमेंट मूवी सरदार उधम सिंह को देखने के लिए, मुझे जरूर बताइएगा और अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स, वॉच गूगल बॉलीवुड।